प्रदेश के कुशीनगर में जिले के खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए पक्के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। योगी सरकार में कोई भी फिर चाहे वो शासन को हो या प्रशासन को, अगर उसके पास गलत तरीके से बनाई गई प्रॉपर्टी है तो उस पर बाबा का बुलडोजर जरूर चलेगा। और ऐसा ही दीवान के घर पर देखने को मिला। योगी सरकार के आदेश के बाद 1972 में बने अवैध रूप से बने मकान को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया था, जिसके बाद उस मकान को जमींदोज कर दिया गया। मामला पडरौना तहसील के केवल छपरा का है, जहां दीवान ने खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से अपना पक्का मकान बना लिया था। इस मामले में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खलिहान की जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति छांगुर प्रसाद जो पुलिस विभाग में दीवान के पद पर तैनात है। दीवान ने अपने रसूख को दिखाते हुए 1972 में ही खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से पक्के मकान का निर्माण कर लिया था। वहीं ग्रामीणों के द्वारा जो भी शिकायत की जाती थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। योगी सरकार बनने पर दीवान के मकान पर चला बुलडोजर। पुलिस विभाग में दीवान के पद पर तैनात रहे छांगुर प्रसाद ने खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से पक्का निर्माण करा लिया था। बताया जा रहा है कि छांगुर प्रसाद के दबंगई की वजह से कोई भी ग्रामीण उसके खिलाफ नहीं जाते थे, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद लोगों में आस जगी और शिकायत के बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार मंगलवार के दिन 1972 में बने पक्के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद मौके पर राजस्व कर्मी और पडरौना कोतवाली की पुलिस ने केवल छपरा पहुंचकर अवैध रूप से निर्माण किए गए पक्के मकान को गिरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।